न संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश माह 2023 के चुनावी नतीजन के इंतजार जनता बेसब्री से कह रही है, लेकिन 3 दिसंबर का आबे वाले परिणामन के इंतजार थोक का औ करे परी। वजह का ही पूरी खबर लेके आए हैं, कहे कि यह 2023 के विधानसभा चुनाव के चुनावी महादंगल मां जनता कयास दर कयास लगाए रही है, लेकिन परिणाम तो 3 दिसंबर का ही, लेकिन इंतजार कितनी देर करे के परी परिणाम पर यह पूरी खबर लेके आए हैं। तविंद क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर बता दी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजा के इंतजार या तब 3 दिसंबर का खत्म हो जाए, लेकिन परिणाम पूरी तरह से क्लियर हो बा ए दर की वक्त लागे वाला है, यानी पूर्ण नतीजन के इंतजार या भी लंबा हो वाला है। जेके वजह सामने आई गई ही निर्वाचन आयोग के द्वारा कर्मचारियों का ट्रेनिंग दी गई ही, जबकि सभी जिलन में मतगणना की तैयारी शुरू हो गई ही। दरअसल जो है यह दर की जो है नतीजा पूरी तरह से क्लियर हो में देरी हुई, जबकि शुरुआत रुझान 9 बजे आ पाई। ये मान नतीजा लेट हो के वजह पोस्टल बैलेट है। कहे कि निर्वाचन आयोग यह भी केवल अधिकारियों कर्मचारियों खातिर नहीं, बल्कि वृद्ध और दिव्यांगन खातिर पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराए रहा, जेके वजह से यह भी पोस्टल बैलेट की संख्या में वृद्धि हुई ही। जौने माँ ऐसा माँ पोस्टल बैलेट जो है गिनती पूर हो जी, उसके बाद EVM मशीनन की गिनती शुरू हुई। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश समेत 5 राज्य में यह भी नतीजा पूरी तरह से आबे में देर रात हो जी। एक एक खातिर प्रत्याशी से लेके कार्यकर्ता का तैयार रहे खातिर कहा गया है और तैयार हो गए हैं। कहे कि यह हर एक राउंड के बाद निर्वाचन आयोग प्रत्याशी का उनके वोट के पत्र जो है सौंपी, ऐसे चुनाव आयोग यह भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। 2018 में का रहा स्थिति यह जाली, अगर यदि पिछले विधानसभा चुनाव की कीन जाए बात तो 2018 में परिणाम देर रात 2 बजे तक पूरी तरह साफ हो पाए रहे, कई एक सीटन पर नतीजा देर रात आवा रहा। ऐसे यदि ऐसे स्थिति बने वाली है, बता दें कि प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटन पर गिनती हुई, जेके खातिर जिला मुख्यालय पर तैयारी तेज कर दी गई है। निर्वाचन आयोग कई बीजेपी और कांग्रेस मतलब एक इतर निर्वाचन आयोग के अलावा जो है बीजेपी कांग्रेस मतगणना की तैयारी में जुट गई है। अपने अपने 230 प्रत्याशी का मतगणना के ट्रेनिंग दिवाए रही है बीजेपी के द्वारा, प्रत्याशी का निर्देश जारी किया गया है। तो यह रही बड़ी खबर, जो ने मतगणना के इंतजार मध्य प्रदेश की जनता बेहद बेसब्री से कह रही है। हालांकि यह परिणाम का ही केकर सरकार बनी यह तो 3 दिसंबर का देर रात साफ हो पाई, कहे कि पिछली बेर 2 बजे रात तक कई एक सीटन के परिणाम जो है साफ हो पावा रहा। तो यही तरह की उम्मीद ये की जा रही है कि पोस्टल बैलेट बढ़े की वजह से परिणाम में देरी जरूर हो सकती है। तो आप अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।